कितने बेरहमी से मार रहे हैं यार ये, पूरा घर ही उड़ा दिए बताओ। और चलिए मेरे साथ बिना सिक्योरिटी के, और देखते हैं वहां से जिंदा वापस कौन लौटता है, आप या मैं। हेलो गाइस, सो गाइस फाइनली आ गए अपनी नई मूवी के रिएक्शन साथ। और गाइस इस बार हम लेके आए आदा शर्मा की मूवी, आज जानते हैं मूवी का नाम क्या है। तो गाइस जिस मूवी पे हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका नाम है बस्तर, बिस्तर नहीं बस बस्तर है गाइस, बस्तर। फटाफट गाइस बस्तर का ट्रेलर शुरू करते हैं। इंडियन माओइस्ट आईएसआईएस और बोको हरम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। फुल ऑफ फाइटिंग है, क्या हो रहा है ये, इतने बेरहमी से मार रहे हैं यार ये, पूरा घर ही उड़ा दिए बताओ। बस्तर का रेड एक्शन दिल्ली को हिला के रख दिया है, 76 कुत्ते मारे हमने। भगवान अपनी सबसे कठिन लड़ाई अपने सबसे शक्तिशाली सिपाहियों को देता है। Our 76 boys got butchered. Who is responsible for all this? आप। One. Honorable Home Minister. ये बहुत मूवीज कर रही है ना? CRPF जवान्स। आधा। Should get 76 crores. पाकिस्तान के साथ हुए चार युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए, लेकिन हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। ओएमजी भाई साहब क्या खतरनाक सीन है यार। केरल से बाद अब एक और क्रेजी मूवी। दिल्ली के लाल किला पर लाल झंडा फहराने के लिए, भारत देश पर माओइस्ट का उलंघन बनाने के लिए खून की नदियां तो बहेंगी। एक नया इंटरनेशनल फोरम बन रहा है, इंडिया की नई ताकत को रोकना जरूरी है और इंडिया के खिलाफ हमसे इफेक्टिव पार्टनर और कौन होगा? एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। 600 करोड़। मैंने अपना पति के साथ साथ अपना बेटा भी खोया है, हर घर से एक बच्चा उनको देना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाया उन्होंने। मना कर देते ना सबको मार देते हैं। पूरा इकोसिस्टम आज मेरे अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, इन नक्सलियों को छोड़ूंगी नहीं इस बार। मिर्जा को ऐसा जवाब देना होगा कि साली दिल्ली सरकार की गोटियां काम जाए। 100 तो गाइस मूवी बहुत सुपर है, और जैसा कि हमें पता है अदा शर्मा एक के बाद एक ऐसी मूवीज दे रही है, तो ब्लॉकबस्टर। तो यार उन्हें केरला स्टोरी में जो एक्शन किया था, ये भी कुछ केरला में ही कुछ स्टोरी है पाकिस्तान और इंडिया को लेके, जिसमें हमारे बहुत सारे सिपाही जो है वो शहीद हुए थे, तो उसकी पूरी स्टोरी बस्तर की जो पूरी स्टोरी है वो इस मूवी में आएगी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि देश से रिलेटेड मूवी तो मेरे को अच्छी लगती है, बट हाँ अगर मूवी की एक्ट आदा शर्मा जैसी हो तो ऐसा नहीं। मैं पिछला भी कुछ टाइम पहले हमें मूवी देखा, मैं सो गई थी लिटरली, वो बहुत ज्यादा बोरिंग था। आई जस्ट होप कि ये तो बोरिंग नहीं होगा। ये तो गाइस वैसे ही बहुत ज्यादा मतलब कि ट्रू स्टोरी में, और गाइस ये पूरा माइंड क्रैकिंग स्टोरी है गाइस, हार्ट ब्रेकिंग गाइस, मतलब ऐसी ऐसी चीजें रियल में होती है और हम यहाँ पे रहते हैं, हम अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ और हम बहुत ज्यादा सेफ भी है, लेकिन अब उन्हीं के लिए मतलब जो अभी बॉर्डरों पे अभी बैठे होंगे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल में बिताया, उन्हीं के चक्कर में हम आज चैन से सो पाते, तो हमें तो बहुत बड़ा सलूट करना चाहिए कि वो हमारे लिए इतना स्ट्रगल झेलते हैं। बाकी की रियली स्टोरी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने को मिलेगा। बाकी आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 गाइस।